जरा याद कीजिए, 29 सितंबर 2018 को लखनऊ में एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने कार नहीं रोकने पर गोली चला दी थी, जिसमें विवेक तिवारी की मौत हो गई थी। उस दौरान मीडिया में जबरदस्त हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर हर सेलिब्रिटी और हर एक्टिविस्ट लंबी लंबी पोस्ट लिख रहा था। यूपी की योगी सरकार ने अपना राजधर्म निभाते हुए विवेक तिवारी की पत्नी को 25 लाख का मुआवजा और अधिकारी रैंक की नौकरी ऑफर कर दी थी, लेकिन इसी देश के एक आदिवासी की जान की कीमत महज 10,000 रुपए आंकी गई है।